हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि लेटेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर की जो डिटेल्स है वो जानेंगे। आपको बता दें कि ये जो जानकारी है सरकारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। और आपको पता है कि फ़िलहाल में कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और कई सारे के डेथ भी शेड्यूल हो गई है, जैसे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC। तो ये तमाम एग्ज़ाम में इस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो लाते रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास प्रधानमंत्री के अलावे और कौन कौन से पद हैं। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी के पास वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर पद के अलावे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, इसके अलावे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अलावे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसके अलावे ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू एंड अदर ऑल पोर्टफोलियो नॉट एलोटेड टू एनी मिनिस्टर। जो पद किसी और मिनिस्टर को एलोटेड नहीं हुए वो पद भी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम बात करें कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, तो आप याद रखिएगा राजनाथ सिंह। अगर हम नेक्स्ट पोर्टफोलियो की बात करें, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन, यानी कि गृह मंत्रालय भी जो है इस समय अमित शाह के पास ही है, जैसे कि पहले था। नेक्स्ट देखते हैं, नितिन गडकरी जी जो है वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इनके पास है। अगर हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी का, तो वो वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का पद संभाल रखे हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का जिम्मेदारी है। अगर हम बात करें डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का, तो उनके पास मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय है। अगर हम बात करें अर्जुन मुंडा के पास, तो उनके पास इस समय मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। अगर बात करें स्मृति जुबिन ईरानी की, तो उनके पास वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पद है। अगर हम बात करें पीयूष गोयल की, जो कि पहले रेल मंत्री थे, उनका भी पोर्टफोलियो चेंज हो गया और वर्तमान में वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अलावा उनके पास मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा एक और पोर्टफोलियो है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल का। अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो उनके पास मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम बात करें प्रहलाद जोशी जी का, तो आपको बता दें कि वो वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइन की जिम्मेदारी ले रखे हैं, यानी कि कोयला मंत्री की बात करें तो वर्तमान में प्रहलाद जोशी है। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की, तो वर्तमान में इसका कार्यभार नारायण तनु राणे के पास है। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटर वे, यानी कि जहाजरानी मंत्रालय, और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ आयुष की, तो वर्तमान में ये जो है सर्वनंदा सोनावाल के खाते में है। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, तो वर्तमान में इसका पदभार मुख्तार अब्बास नकवी संभाले हुए हैं। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, तो इसका कार्यभार की जिम्मेदारी वीरेंद्र कुमार को दी गई है। अगर हम बात करें गिरिराज सिंह के बारे में,
तो गिरिराज सिंह वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज का कार्यभार संभाले हुए। अगर हम बात करें ज्योति राज सिंधिया जी के बारे में, तो उनके पास वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है। अगर बात करें रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि आरपी सिंह के नाम से जाने जाते हैं और जेडीयू की तरफ से शामिल हुए हैं, तो उनके पास वर्तमान में जो पोस्ट है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टील। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो कि हॉट होता है क्वेश्चन होता है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, तो आपको बता दें कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे का जो जिम्मेदारी है वो अश्वनी वैष्णव को दिया गया है। इसके अलावा उनके पास मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम बात करें पशुपति कुमार पारस की, जो कि आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, एलजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष है और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। इनके भतीजे चिराग पासवान के साथ ये राम विलास पासवान के भाई है, तो ये भी कैबिनेट में शामिल हुए और इनको जो जिम्मेदारी दी गई है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की दी गई है पशुपतिनाथ पारस। नेक्स्ट पोर्टफोलियो देखते हैं, नेक्स्ट पोर्टफोलियो है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, तो इसके लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को चुना गया है। अगर हम नेक्स्ट पोर्टफोलियो की बात करें, तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू को दी गई है। आपको बता दें कि ये पहले खेल मंत्री थे, इनका भी पोर्टफोलियो चेंज हो गया है। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसका पदभार राजकुमार सिंह को दिया गया है। अगर अगले पोर्टफोलियो की बात करें, तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जिम्मेदारी हरदीप सिंह पुरी को दी गई है। अगर हम नेक्स्ट पोर्टफोलियो की बात करें, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसके साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन दोनों की जिम्मेदारी मनसुख मलडिपिया को दी गई। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस लीडर है और काफ़ी सादे जीवन जीते और अपने लोकसभा में भी और यहाँ जो पार्लियामेंट है वहाँ में भी साइकिल से आ जाते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, तो इसकी जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को दी गई है। अगर नेक्स्ट पोर्टफोलियो की बात करें, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री, तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को दी गई है। नेक्स्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं, मिनिस्टर ऑफ फिशर एनिमल्स एंड हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्ट, तो इसके लिए पुरुषोत्तम रूपाला जी को नियुक्त किया गया है। अगर अगले पोर्टफोलियो की बात करें, कल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इसके लिए जी किशन रेड्डी जी को चुना गया है। इसके अलावा जो आखिरी पोर्टफोलियो है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, यानी कि खेल मंत्री जो बनाया गया अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया। तो ये टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर थे जिन्हें की नई जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें इसके अलावा स्टेट मिनिस्टर और इंडिपेंडेंस ऑफ मिनिस्टर चार्ज भी होते हैं, जिसके रिलेटेड वीडियो में अगला वीडियो लाऊंगा उसमें बता दूंगा कि उसका पदभार किनको किनको दिया गया। अगर आप ये कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जा के आप इसका PDF लिंक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले। जय हिंद, जय भारत।